लेखपालों का धरना लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है, लेकिन बावजूद इसके लेखपाल लगातार अपना आंदोलन बरकरार बनाए हुए हैं। लगातार लेखपालों का धरना जारी है। लेखपाल आंदोलन करने में किसी भी तरीके की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रशासन और शासन लेखपालों के खिलाफ कार्रवाई पर कार्रवाई कर रहा है, लेकिन लेखपालों का धरना और आंदोलन लगातार बदस्तूर जारी है। शनिवार के दिन भी मां शीतला देवी मंदिर परिसर में लेखपाल गूंजते दिखाई दिए। धरने पर बैठे सभी लेखपाल अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। बीते कई दिनों से लेखपालों का यह आंदोलन जारी है। वहीं धरना दे रहे लेखपालों ने शनिवार के दिन क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। आठवां दिन है हमारी हड़ताल का, ये 10 तारीख से चल रही है। तीन दिन तहसील में रही, 3 दिन के बाद यहाँ जिला स्तर पे चल रही है। सारी 6 तहसीलों के हमारे लेखपाल साथी इसमें सम्मिलित हैं और विधिवत सरकार के खिलाफ 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पर हैं। बात करें उच्च स्तर पे कहीं बात हुई है क्या आपकी? कहीं उच्च स्तर पे कोई बात कहीं बात हुई है? उच्च स्तर का मतलब आए प्रांतीय पदाधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों में। अब तक तो ऐसी सूचना नहीं है, वैसे संपर्क जारी है उनका, वो बनाए हुए अपना और चल रहा है। अब चूँकि हम लोगों के सामने तो जब परिणाम आए और वहाँ से हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के निर्देश आए, उसके बाद ही तो हम लोगों को पता चलेगा। कब तक जारी रहेगा ये आपका? जब तक हमारे प्रांतीय पदाधिकारियों के निर्देश नहीं मिल जाते कि कोई शासन में सकारात्मक बात हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर होगी, वही है, और उसको हम लोग संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक ही जारी है। अगर आपको जानना है मैनपुरी की छोटी बड़ी खबर का हाल, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।